हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग बेखूबी से समझ ही चुके कि आज के ट्यूटोरियल कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए, जो लोग गाइस यूट्यूब वगैरह में, इंस्टाग्राम में काम करते हैं, फेसबुक में काम करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं और अपने वीडियो को थंबनेल को इंक्रीज करना है। तो आज के इस ट्यूटोरियल को आप लोग अगर ध्यान से देखो, ए टू जेड फुल गाइड के तहत मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे गाइस आप एक सेकंड्स में आपके कोई भी फोटो का बैकग्राउंड तो रिमूव करने ही वाले हो और ऑनलाइन में आप अपने फोटो को डायरेक्टली थंबनेल में भी क्रिएट कर सकते हो, यानी सारा कुछ आपको एक ही वेबसाइट में हो जाएगा। आप लोगों को तीन ऐसे बेस्ट वेबसाइट के बारे में मैं आज आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि क्या कुछ है, कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है, कैसे बैकग्राउंड को ब्लर करना है, बैकग्राउंड को क्रॉप करना है, कोई भी फेसबुक के लिए फोटो वगैरह, प्रोफाइल पिक्चर के लिए, थंबनेल के लिए फोटो कैसे एडिट करना है, सारा कुछ मैं ए टू जेड प्रोसेस में आप लोगों को दिखा दूंगा, सिखा दूंगा। लेकिन भाई, आप लोगों को एक प्रॉमिस करना होगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक लाइक कर देना है और वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है, ताकि भाई स्किप करोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जीत भाई ऑफिशियल के चैनल में जो भी मैं ट्यूटोरियल लाता हूँ सारे के सारे ऑथेंटिक ट्यूटोरियल होते हैं। तो चलिए मेरे भाई लोग, वीडियो को बिना देर के फटक से शुरू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत, आप सभी का दोस्त और आप सभी का फिर से अगर बहुत बहुत तेज से स्वागत करता हूँ आपका और हमारा अपना जीत भाई ऑफिशियल पर। तो चलिए आप लोग ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो मेरे भाई लोग, हम आ गए हमारे पीसी के स्क्रीन रिकॉर्ड पर। सबसे पहले आप अपने पीसी या मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने का सबसे, जो मैंने आप लोगों को बताया, तीन बेस्ट वेबसाइट बताऊँगा, जो AI भी बोल सकते हो और AI नहीं भी है, क्योंकि AI आने से पहले से ही इसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो माय ओपिनियन के हिसाब से ये तीनों सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। सबसे तीन नंबर पे आता है, सबसे लास्ट से ही शुरू करता हूँ। सबसे तीन नंबर पे आता है remove.vg, जैसे गूगल में सर्च करते हो रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री रिमूव VG, इसको जो है अलग टैब में ओपन कर लीजिए। जैसे ही अलग टैब में ओपन कर लेते हो तो इस तरीके का इंटरफेस इस वेबसाइट का दिखेगा। जस्ट सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या अपलोड इमेज, तो मैं अपलोड इमेज में क्लिक करता हूं और डेस्कटॉप में मेरा ये सारे के सारे जो फोटो देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ थंबनेल के लिए। तो सबसे पहले इस फोटो को जो है बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे ही डबल क्लिक किया, ओपन किया, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर एनिमेशन दिख रहा है स्टार जैसा। तो ये पर देखिए, बूम, एकदम आसानी से हो गया। और यहाँ पर बहुत कुछ फीचर्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड HD भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डाउनलोड कर लिए, ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करता हूँ यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छे से ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ है, ठीक है। और दूसरी बार दिखाता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ और अपलोड इमेज फिर से ये वाला देख लेता हूँ, ठीक है। फिर से वही ग्राफिक्स एनिमेशन आ गया, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कोई सा भी बैकग्राउंड हो आसानी से रिमूव हो जाता है। तो जैसे देखो, यहाँ से आप डायरेक्टली क्रिएट डिज़ाइन कैनवा से ये टाइप है, ठीक है, बोल सकते हो कैनवा का ये वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ से ऐड बैकग्राउंड कर सकते हो, ऐड बैकग्राउंड मतलब यहाँ पर देखिए कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे ये बोलो, ठीक है, ये लोडिंग लिया, ये बोलो ये लोडिंग लिया, ये सब कुछ जो है फ्री है, एकदम फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं आपका स्ट्राइक वगैरह ये पड़ेगा, ठीक है। बहुत कुछ आसान है भाई, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो कस्टम बैकग्राउंड यहाँ से प्लस करके आप कस्टम बैकग्राउंड यहाँ से कुछ भी बैकग्राउंड लेके लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई सा भी एक बैकग्राउंड हो, आप किसी जगह से डाउनलोड किए हो, कोई सा बैकग्राउंड हो, जैसे मान के चलो ये फ़ोटो की जगह पर मैं इसको लाऊंगा तो देखने में ख़राब लगेगा। जस्ट एग्जांपल के तहत मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने तक हम लोगों को वेट करना है। अब देखो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कलर यहाँ पर कोई भी है कलर यहाँ पर डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप मल्टी कलर देके बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। आप ब्लर कर सकते हो, तो ब्लर का ऑप्शन है यहाँ पर, देखो भाई इस तरीके से। आप ब्लर वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना और देखो भाई कितने खास लग रहा है, बहुत ही खास लग रहा है इस तरीके से। आप चाहते हो कि ओरिजिनल बैकग्राउंड को ब्लर करोगे या कोई सा भी बैकग्राउंड को ब्लर करोगे तो देखने में और ज़्यादा क्लैरिटी आपके जो है फ़ोटो के क्लैरिटी बढ़ चुका है। दूसरे फ़ोटो के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको तो डन किया, इसको डिलीट किया। अब दूसरा कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मुझको ये फ़ोटो लेना है तो मैं ये फ़ोटो लेता हूँ। सबसे खास इसका जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसका जो है ब्लर वाले जो चीज़ है वो जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये ब्लर वाले। तो यहाँ पर ब्लर को ऑन किया और देखो एकदम 100% आप ब्लर कर दो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, यानी आपके थंबनेल के अकॉर्डिंग बहुत कुछ। तो ब्लर करने से क्या होता है, यहाँ पर कोई टाइटल वगैरह लिखोगे ना तो वो साइन हो जाएगा, यहाँ पर बहुत खास लगेगा देखने में। हाँ, लग रहा है कि प्रोफेशनल सेटअप है वगैरह, तो इतना तक ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से अब चाहते हो कि इसको जो है अब इरेज एंड रेस्टोर करना चाहते हो, जैसे तो कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ।
तो मान के चलो ये फ़ोटो ले लिया इरेस के लिए, अब इरेस तो हो गया, अब रेस्टोर, रेस्टोर करने के लिए तो मान के चलो ये जो माइक है, माइक का पार्ट को मैं रेस्टोर करूँगा, ये इरेस का है, ये रेस्टोर का है, ये मान के चलो माइक का पार्ट मैंने रेस्टोर कर दिया। तो ये देखो इस तरीके से हुआ, अब ये इस तरीके से माइक को ही मैं रेस्टोर करूँगा। देखो माइक आया, इरेस वाला ऑप्शन में गया तो ठीक तरीके से नहीं हुआ, आप टाइम दे के करोगे तो ठीक तरीके से हो जाएगा। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, तो इस तरीके से इसमें काम करना है। और जो सेकेंड वाले जो वेबसाइट है वो है फोटो रूम, यहाँ पर देखो photoroom.com, यहाँ से भी आप कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, स्टार्ट देना है, कोई सा भी एक फ़ोटो को चुन लेना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो इसका जो फोटो का जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड करना है हाई रेजोल्यूशन HD, ये प्रो के लिए है, और फ्री स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन ये भी बहुत अच्छा है, सिंपली सी ये डाउनलोड कर देना है और फोटो बिल्कुल फटता नहीं है। तो यहाँ पर देखो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बिफोर ये देख सकते हो, आफ्टर ये देख सकते हो, और यहाँ से भी आप एडिट फॉर फ्री ये एडिट कर सकते हो आसानी से, फ़ोटो को आप किस तरीके से एडिट करोगे, क्या कुछ करोगे फ़ोटो में, क्या कुछ डालोगे। तो यहाँ पर देखो फोटो रूम का लोगो आ चुका है, आप चाहो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, अप्लाई न्यू इस तरीके से, तो इसका ब्लर जो है और भी ज़्यादा साइन लग रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से हटवा सकते हो, तो वाइट, ये वाइट के लिए, अप्लाई न्यू वाइट बैकग्राउंड के लिए, भाई ये प्रोफाइल के लिए, तो प्रोफाइल फ़ोटो इस तरीके से लगेगा। तो बहुत कुछ फीचर्स यहाँ पर मौजूद है, तो आप सोशल मीडिया के लिए TP वगैरह कुछ भी करना चाहते हो वो है। यहाँ पर देखो AI शेडो फीचर्स, ये 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल है, ये फीचर्स भी यहाँ पर मौजूद है प्रो के लिए। AI बैकग्राउंड के लिए भाई यहाँ पर देखो ये लोडिंग ले रहा है, Extra 2 लाइट वुड काउंटर शेप, तो यहाँ पर देखो ये बहुत ही खास लग रहा है मुझे, ठीक है, ये भी अच्छा है, कितने सारे बैकग्राउंड है, ये सब कुछ जो है प्रो के लिए है, ठीक है। तो आप रिसर्च कर सकते हो, क्रॉप वगैरह जो होता है ये भी प्रो के लिए है, और बैकग्राउंड तो आप यहाँ पर भर भर के डाल सकते हो, ये भी प्रो के लिए, यानी remove.vg में सब कुछ फ्री है, लेकिन यहाँ पर जितने हैं प्रो है, लेकिन ये प्रो का फीचर जो है बहुत ही प्रोफेशनल है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके वीडियो वायरल होने का चांस 99% तक ये इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि ये खरीदना पड़ता है। तो सब कुछ प्रो नहीं है, कुछ चाहते हो कि आप ये बैकग्राउंड लोगे, ये बैकग्राउंड लोगे, यहाँ पर जिसका प्रो का सिंपल है तो वो तो प्रो ही होगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पे आओगे तो इंसर्ट पे एरो इंसर्ट कर सकते हो या कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, जो प्रो है वो प्रो है, जो फ्री है वो फ्री है, इस तरीके से आप, यानी मान के चलो आप डायरेक्टली यहाँ से थंबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये remove.vg का और डिटेल एक्सप्लेनेशन के तहत मैं ये दिखा रहा हूँ कि तो ये वेबसाइट से आप क्या कुछ कर सकते हो। ये टाइटल वगैरह के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पर टेम्पलेट्स भी है, वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, ये पहले दिखा दिया आप होम, तो ये तो हो गया सेकंड। और थर्ड वाले जो आता है ये सबसे खास है, हालांकि मैं remove.vg से ही मैं काम करता हूँ, Adobe Remove VG, तो फ्री इमेज बैकग्राउंड रिमूवर Adobe Express, जो फोटो ठीक तरीके से रिमूव नहीं होता है बैकग्राउंड, तो वो एक सेकंड में Adobe के बिना कोई रिमूव नहीं कर सकता, तो Adobe तो एकदम मक्खन की तरह उसे निचोड़ के रिमूव कर देता है उसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि Adobe भी एक ऐसा पावरफुल एप्लीकेशन है, वेबसाइट के थ्रू काम कर रही है, तो Adobe भी बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है जो हम बहुत ही खास मायने पे रखता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स है, एक्सप्लोर मोर, क्विक एक्शन, इट्स फ्री, रिसर्च इमेज, जैसे रिसर्च करने के लिए तो आप डाल दो, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, आप किसके लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए या कुछ और के लिए आप इमेज को रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड हो रहा है और यहाँ पर देखिए इस तरीके का रिसर्च होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉप के लिए आप फोटो यहाँ पर क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद कन्वर्ट टू PNG, यानी IMG टू PNG, कन्वर्ट टू SVG, कन्वर्ट टू JPG, यानी Adobe में फ्री वाला इतना कुछ खास फीचर्स नहीं दिया, लेकिन बाकी दो वेबसाइट में दिया, लेकिन सबसे बेहतर मुझे लगा फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑल इन वन प्रोग्रामेबल, आई थिंक आई वॉज टॉकिंग टू जस्ट remove.vg सबसे खास है, वो वेबसाइट को आप लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने तीनों वेबसाइट बता दिया, हालांकि remove.vg यानी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तीनों वेबसाइट में आप फ्री में काम कर सकते हो, लेकिन उस फोटो को कुछ खास करना चाहते हो, कुछ एडिट करना चाहते हो, तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, Adobe में तो लेना ही पड़ेगा, और भाई फोटो रूम में भी लेना पड़ेगा प्रो, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा खासा फीचर्स है। और फ्री का मान के चलो तो remove.vg में फ्री में आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा भाई remove.vg से, आई थिंक आज के नए नए जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स है सारे लोग remove.vg से ही काम करते हैं, क्योंकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो चलिए फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई लोग देख लिए कितना ज्यादा आसान था इस काम को करने में, तो भाई आज से एकदम कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो और आप खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर
एक थंबल क्रिएट करो अच्छा सा बैकग्राउंड रिमूव करके। वो जमाना गया जब आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में एक दो घंटे लग जाता था। अब एआई की जमाना आ चुका है, लेकिन ये तीनों जो वेबसाइट बता दिया ये तीनों पहले भी था आज भी था, लेकिन आज डेवलप कर दिया एआई के आने के बाद। लेकिन मेरे भाई लोग आप लोग एक बात बोल देता हूं ना, ये तीनों बैकग्राउंड रिमूव जो करता है ना ये पहले से ही एक सेकंड में करता था, आज भी करता है और आगे तक भी करेगा। और एआई आने के बाद इस वेबसाइट का डेवलपर ने कुछ डेवलपमेंट यहां पर किया है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप रेगुलरली ट्राई करो मैंने जो जो दिखाया, तो आप लोग भी बैकग्राउंड रिमूव के साथ साथ एक अच्छा सा थंबल बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक ट्रिक नहीं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे ट्रिक बता दिया कि आप अपने वीडियो के थंबल को अच्छा बनाने के लिए कितना ज़्यादा फीचर्स का अप्लाई कर सकते हो, सारे के सारे फीचर्स मैंने आप लोगों को दे दिया। तो ये तीनों वेबसाइट में से आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा प्लीज़ बोल दीजिएगा। मैं पर्सनली तीनों में ही काम करता हूं, लेकिन मैं ज़्यादातर remove.vg में ही काम करता हूं। और बाद बाकी जो एडोब है वो भी प्रो है, फ्री का फीचर्स इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर प्रो खरीदना पड़ता है। और फोटोशॉप में भी बहुत ज़्यादा प्रो फीचर्स है लेकिन वो खरीदना पड़ता है, पैसा दोगे तो जितना गुर उतना मिठास, लेकिन फ्री का भी बहुत ज़्यादा फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो आज तक के लिए इतना ही, वीडियो को पसंद आए पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ पार के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में अपने फैमिली मेंबर्स में। और आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज मेरे भाई चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे उसको भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो अदर कॉन्टेंट लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, सी यू सून।